हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रितेश और आप देख रहे हैं स्पीड 16। गाइस आज बात करेंगे मारुति सुजुकी के सेलेरियो के बारे में। पहले चर्चा ये थी कि इसका फेसलिफ्ट वर्जन आएगा, बट अभी इसकी स्पाई इमेजेस सामने आई है और उससे लगता है काफ़ी कुछ इसमें चेंज होने वाला है, यानी कि ये नेक्स्ट जनरेशन मॉडल होने वाला है। तो बात करूँगा क्या चेंजेस होंगे, किन से कम्पीट करेगी, क्या इंटीरियर में चेंज होंगे, क्या एक्सटीरियर में चेंज होंगे और क्या प्राइसिंग रह सकती है इसकी मार्केट में, और कौन सा इंजन ऑप्शन आपको मिलेगा, क्या सीएनजी वेरिएंट में आएगी या नहीं आएगी, उस हर चीज़ पे बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए एंड तक मेरे साथ स्पीड 16। मारुति सिलोरियो हैचबैक सेगमेंट की काफ़ी पॉपुलर कार है और काफ़ी बिकने वाली कार है, लोग इसको काफ़ी पसंद करते हैं। ये तो अभी अगर बात करूं तो ये कार न्यू प्लेटफॉर्म पे बनेगी और ये नेक्स्ट जनरेशन मॉडल होगा। इसके एक्सटीरियर इंटीरियर में काफ़ी मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कंपनी इस कार को न्यू प्लेटफॉर्म पर, जिस प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी स्विफ्ट, बलिनो और वैगनर जैसी कार बनती हैं, उसी प्लेटफॉर्म पर इसको बनाएगी। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि कार एक नए अवतार में नज़र आ रही है, एक बिल्कुल न्यू लुक में नज़र आ रही है। देख के ऐसा लगता है ये हैचबैक नहीं है, इस बार कॉम्पैक्ट एसयूवी जैसी कुछ नज़र आ रही है। तो अगर बात करें इसके कॉम्पिटिटर की तो मुझे लगता है टाटा HVX से इसका कॉम्पिटिशन होने वाला है। इसके अलावा रेनॉल्ट की जो किगर आ रही है उससे इसका कॉम्पिटिशन हो सकता है। इसके अलावा इसका कॉम्पिटिशन मुझे लगता है कि सोनेट से भी हो सकता है काफ़ी हद तक, वो देखना होगा कि इनकी प्राइसिंग में क्या डिफरेंस रहता है। इसके अलावा जैसा कि आपको पता था कि सिलेरियो का 2021 में फेसलिफ्ट वर्जन आना था, बट इसके बाद अब जो स्पाई इमेजेस इसकी नज़र आ रही हैं उसको देखते हुए लगता है कि इसमें काफ़ी बड़ा चेंज आएगा। सो कहीं ना कहीं इसमें आपको पिछले मॉडल के मुकाबले ये लाइट वेट होगा, यानी इसमें कुछ VAVs किए गए होंगे। इसके अलावा इसके डिज़ाइन में काफ़ी कुछ चेंजेस किए गए होंगे जैसा कि नज़र आ रहा है इसकी स्पाई इमेजेस में, जैसे कि एक तरीके की कॉम्पैक्ट SUV नज़र आ रही है काइंड ऑफ, और काफ़ी कुछ इसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं तो इसका माइलेज आपको बढ़ के मिलेगा इस बार, तो माइलेज का बढ़ना ऑटोमेटिकली, अगर लाइट वेट हो रहा है कार का तो आपका माइलेज तो बढ़ ही रहा है। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे कि ये लाइट वेट होने का क्या इफ़ेक्ट आएगा कार के ऊपर, इसकी सेफ्टी को लेके क्या इफ़ेक्ट आने वाले हैं वो हम बिल्कुल लास्ट में कवर करेंगे, अभी पहले इसकी डिटेल्स पे बात कर लेते हैं। इसके अलावा जो इसका इंजन होगा 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन होगा इसमें, जो 67 BHP की पावर जनरेट करेगा और 90 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा, और करंट मॉडल की तरह इसको CNG में भी लॉन्च किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो इसकी प्राइसिंग रहेगी वो पुरानी प्राइसिंग के नियर अराउंड ही रहेगी, कोई प्राइसिंग में आपको ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। सो काइंड ऑफ जो इसके चेंजेस होंगे वो एंट्री लेवल क्रॉसओवर जैसे आपको देखने को मिलेंगे, आप स्पाई इमेजेस में भी देख सकते हैं। तो इसका जो एक न्यू अवतार इसका कर दिया गया है, बिल्कुल डिफरेंट सिलेरियो बना दिया गया है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन को काफ़ी हद तक पसंद आएगी मुझे ऐसा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसके फीचर्स की बात करते हैं। चलिए फीचर्स की बात करते हैं। इसमें आपको फ्रंट हेडलैम्प जो मिलेंगे वो LED DLLs के साथ मिलेंगे। इसके अलावा आपको टेल लैम्प्स काफ़ी स्टाइलिश मिलेंगे और LED इंसर्ट्स आपको इसमें मिल सकते हैं। रियर वाइपर आपको मिलेगा जो कि नज़र आ रहा है स्पाई इमेजेस में भी। इंटीग्रेटेड ब्लिंकर्स आपको इसमें मिल सकते हैं, इसके साथ विंग मिरर्स आपको मिल सकते हैं और नए स्टाइल के अलॉय व्हील्स आपको इसमें मिलेंगे। ऐसे कुछ शानदार फीचर्स के साथ ये कार लॉन्च होगी। तो कहीं ना कहीं जो मार्केट अपना लूज़ कर रही है मारुति सुजुकी, वो मार्केट में दोबारा से अपनी एक पकड़ बनाने की कोशिश में लगी हुई है और उसके लिए इस मॉडल का लॉन्च करना कुछ वही नज़र आता है। अगर इंटीरियर की बात करें तो सिलेरियो के नेक्स्ट जनरेशन मॉडल में आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल सकता है, सुजुकी का नया स्मार्ट प्ले स्टूडियो इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिल सकता है, ऑटोमेटिक AC आपको मिलेगा, मल्टी फंक्शन स्टेयरिंग आपको मिलेगा, पावर्ड ORVM मिलेंगे और रिवर्स कैमरा जैसे फीचर्स आपको मिलेंगे। और सेफ्टी की बात करें तो इसमें आपको ड्यूअल फ्रंट एयरबैग, जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको मिलने वाली है, EBD के साथ ABS आपको मिलेगा, स्पीड अलर्ट आपको मिलेगा, सीट बेल्ट रिमाइंडर आपको मिलने वाले हैं और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स भी आपको इस कार में मिलने वाले हैं। सो जैसा कि होता है कि जब भी कार लाइट वेट होती है तो उसकी माइलेज ऑटोमेटिकली बनती है, जैसा कि हमने अभी बात किया इस वीडियो में। तो लाइट वेट होने का मतलब ये नहीं कि आपकी कार की सेफ्टी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हो रही है उससे। कंपनी भी VAV उस तरीके करती है जो आपके सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, और VAV कुछ इस तरीके से किए जाते हैं। VAV का जो मतलब है वो वैल्यू
एडिड वैल्यू इंजीनियरिंग होता है, मतलब वैल्यूज ऐड की जाती हैं उसके अंदर, या तो वो कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर उसमें इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एड ऑन किया गया है, कॉस्ट रिडक्शन हुई है या फिर इंजीनियरिंग चेंजेस किए गए हैं ताकि उसको और अच्छा इम्प्रूव्ड वे में लाया जा सके कार को। तो यहाँ पे आपको माइलेज अच्छी मिल रही है कार में, कार के फीचर्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं आपको, इसके अलावा इंटीरियर एक्सटीरियर्स भी आपको नेक्स्ट लेवल के मिलने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं कम्पीट करेगी जो कॉम्पैक्ट SUVs आपकी मार्केट में आ रही हैं, ये सेगमेंट को कम्पीट करेगी। तो देखना ये होगा कि इस कब इसकी लॉन्च करती है कंपनी, अभी लॉन्चिंग डेट कुछ कन्फर्म नहीं है, और इसके अलावा क्या प्राइसिंग एग्जैक्टली रहने वाली है फ्यूचर में। सो गाइस आज के लिए इस वीडियो में इतनी, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।